वुहू, सो वेलकम टू माय चैनल निंजा ईटर्स। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल निंजा ईटर्स में। और आज आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा वीडियो बनाने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है गेमिंग के ऊपर। यस गाइस, मैं आज गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगी एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैं इधर पे छत पे ही शूट कर रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। एंड जो लोग गाइस मुझे बैड कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे बैड कमेंट्स करें या गुड कमेंट्स करें। जो लोग मुझे गुड कमेंट्स करते हैं मतलब उस कमेंट्स को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, और जो मुझे बैड कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स को भी मैं पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं नहीं बदलूंगी। एंड हाँ गाइज, मैं बता दे रही हूँ, अगर कोई भी मुझे बैड कमेंट करेगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं देने वाली, बस मैं देखूंगी भी नहीं। अगर कोई बैड कमेंट करेगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स के ही रिप्लाई करूंगी, नेगेटिव कमेंट्स के बिल्कुल नहीं। सो आप पे डिपेंड करता है, आप नेगेटिव कमेंट करो या पॉजिटिव कमेंट करो, बस मुझे इतना ही बोलना था। चलिए गाइस, इस सब फालतू बातों को छोड़िए एंड स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो हाँ गाइज, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लास्ट तक देख के ही कॉमेंट कीजिएगा। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं अभी बाद में एडिटिंग कर दूंगी, तो जैसे पूरा ये वीडियो रहेगा एंड मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा एंड मेरा रिएक्शन रहेगा इस साइड में। ओके, तो मेरा रिएक्शन रहेगा इस साइड में एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। एंड गाइज, ये बहुत हॉरर है, हम लोग जिस टॉपिक पे बनाने वाले हैं वीडियो वो है ग्रैनी के ऊपर। एंड इसकी स्टोरी मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ग्रैनी कौन है। तो गाइस, ग्रैनी है एक बहुत बड़ी मतलब क्या कैसे समझाओ, ठीक है पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ। तो बहुत समय की बात है, बहुत पहले एक मतलब मेरे को स्टोरी पता है अच्छे से, मतलब एक घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सेलेंड्रीना था। सेलेंड्रीना की एक बेटी थी और एक पति था। तो सेलेंड्रीना के घर में बस चार लोग रहते थे, सेलेंड्रीना, उसकी बेटी, उसका पति और सेलेंड्रीना की सास यानी कि उसके पति की माँ। तो ये चारों जन रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सेलेंड्रीना को ये तांत्रिक वांत्रिक मतलब वो जो करते हैं ना पूजा वूजा घर में, वो तांत्रिक वाला, उस सब पे सेलेंड्रीना को बहुत विश्वास रहता था। तो सेलेंड्रीना अपने अंदर एक पावर लाना चाहती थी, तो उस पावर के लिए वो बहुत तंत्र मंत्र घर में करती थी, वो जो होता है तंत्र मंत्र वगैरह सब करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके यहाँ पे वो जो एक बुक पढ़ती थी तंत्र मंत्र का, उस तंत्र मंत्र की बुक में लिखा था कि अगर उसको सुपर पावर्स लेना है सेलेंड्रीना को, तो उसको एक छोटी बच्ची की बलि देनी होगी। तो सेलेंड्रीना ने अपनी बेटी का बलि दे दिया एंड उसकी बेटी मर गई। फिर एक दिन फिर सेलेंड्रीना के पास सुपर पावर्स आ गए। फिर एक दिन सेलेंड्रीना की बेटी का आत्मा ग्रैनी यानी कि सेलेंड्रीना की बेटी की तो ग्रैनी दादी लगेगी ना, तो वो अपनी दादी के पास गई। हाँ गाइस, उससे पहले क्या हुआ था ना, जब वो सेलेंड्रीना अपनी बेटी को मार दी थी, जब उसके पास सुपर पावर आ गया था, तो ग्रैनी सेलेंड्रीना को बहुत मना की कि अब तुम प्लीज़ ये सब छोड़ दो, लेकिन सेलेंड्रीना नहीं समझी। उसके बाद जाके मतलब वो ग्रैनी बहुत मना की, तो सेलेंड्रीना ने ग्रैनी को एक जेल में बंद कर दी, यानी काल कोठरी टाइप्स में बंद कर दी। तो वो जो उसकी जो थी मतलब पोती की आत्मा यानी कि सेलेंड्रीना की बेटी की आत्मा, वो गई और वो बचाई, मतलब वो अपनी दादी को सुपर पावर्स दी। एंड फिर जब उसकी दादी मर गई फिर उसकी दादी जो है उसके पास सुपर पावर्स आ गया था एंड उसका पति भी मर ही गया था। तो जो उसकी दादी यानी ग्रैनी सुपर पावर्स आ गया था, फिर वो ग्रैनी सेलेंड्रीना को मार दी यानी उसकी बहू को मार दी, और ग्रैनी बहुत पावरफुल भूत बन गई। तो गाइज, ये पूरा का पूरा रियल स्टोरी है। तो इसी के ऊपर एक गेम है वो प्ले स्टोर पे, तो मैं इंस्टॉल की हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी तो पता चली गया होगा, तो अब आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा एंड मेरा रिएक्शन भी इस साइड या इस साइड कहीं पे होगा मेरा रिएक्शन एंड गेम पूरे स्क्रीन पे होगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये फ़ोन है ग्रैनी खेलने के लिए एंड इस फ़ोन से ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगी।
तो गाइज मैं अभी पहले वीडियो को पॉज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सेटिंग्स करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल में ही करना पड़ेगा, तो मैं अभी पॉज कर रही हूँ। सो हियर गाइज मैं अभी ये अपने इस फोन में ये ग्रैनी ऑन कर ली हूँ और अब मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी, तो जब भी मैं खेलूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा एंड आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो गाइज चलिए मैं अभी खेलती हूँ एंड मैं गाइज फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। मेरे फोन में काफी दिनों से आई थिंक 5 या 6 दिन से इंस्टॉल है ग्रैनी, पर मैं एक बार भी नहीं खेली हूँ, सिर्फ ऐप को एक बार बस ऐसे ओपन की हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी ब्रेव हूँ। वैसे तो मैं इस सब चीज़ में बहुत डरपोक हूँ, पर नहीं, पर अब मुझे ब्रेव बनना पड़ेगा जैसे जैसे बड़े होते जा रही हूँ। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन एंड मेरा रिएक्शन अभी साइड में कहीं पे आप सबको दिखेगा। Then my screen recording is on. मैं चूज करूंगी नॉर्मली, ठीक है, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। आई डोंट नो गाइज, आई लिटरली डोंट नो कि क्या होने वाला है एंड कैसा होगा एंड मैं साउंड फुल कर देती हूँ। साउंड लो कर देती हूँ। डे वन है। डे वन में क्या होगा? नाइस, डे वन तो इजी लग रहा है। इधर से रोटेट कर सकते हैं, फिर चल भी सकते हैं। तो फिर डोर खोली मैं, बस ग्रैनी ना आ जाए। ग्रैनी मत आना, ग्रैनी प्लीज। ग्रैनी, माय गॉड, ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी आ रही है। डोर क्लोज। मुझे छुपना पड़ेगा। मर गई, माय गॉड, ग्रैनी ने मुझे मार दिया। एंड अभी डे टू है। डे वन तो इतना इजी था, नॉर्मल था, इसलिए डे वन इतना इजी था। ये है डे टू, देखते हैं डे टू कैसा होगा। एंड इस बार मैं ग्रैनी से बच के रहूंगी, कहीं ये मुझे मार ना दे। आई हैव टू लीव दिस हाउस, यस आई हैव टू लीव। मुझे बस छुपना पड़ेगा, इसके नीचे छुप जाती हूँ। इसके नीचे छुपते कैसे हैं? वाह, अरे मैंने आवाज, इसको छुप, इसके नीचे छुपेंगे कैसे? माई गॉड, गॉड, यस 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 यस। शिट, ग्रैनी मुझे फिर से मार दी। बुढ़िया, ये बुढ़िया, मैं ग्रैनी को बुढ़िया बुलाऊंगी। मैं देखी थी यूट्यूब पे माइथपाथ को एंड वो गाइस एड्स आ गया, तो अभी एड्स देखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बीच में तो मैं हटा सकती हूँ नहीं। गॉड, हटा दी। अब यार बैक का ऑप्शन आ क्रॉस। तो गाइज अभी डे थ्री है एंड आई होप कि डे थ्री थोड़ा हार्ड हो और मैं ग्रैनी को बुढ़िया ही बनाऊंगी। मैं यूट्यूब चैनल पर देखी थी माइथपाथ को, वो भी बुढ़िया बुलाते थे, तो मैं भी बुढ़िया ही बुलाऊंगी कि ये ऐसे बुढ़िया जैसे काम ही करती है। भाई कुछ क्लियर आया? कुछ क्लियर ही नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा आ रहा है। माय गॉड, देखते हैं, आई थिंक मुझे छुप जाना चाहिए इसके अंदर ही। तो गाइज मैं टेबल के नीचे छुप गई हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि ग्रैनी आती है या नहीं आती है, क्योंकि अभी तो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ग्रैनी आ गई ना फिर प्रॉब्लम हो जानी है मुझे। गाइज मुझे ये रूम पूरा सेफ लग रहा है क्योंकि इधर ग्रैनी का नामो निशान तक नहीं है एंड वो गेट भी नहीं खोली है। तो मैं अभी इधर से उठूंगी एंड उसके बाद मैं इधर गेट के पीछे मतलब गेट ओपन करूंगी। सो गाइज, माय गॉड, ग्रैनी आ रही है। मैं गेट के पीछे छुप गई हूँ गाइज, मैं गेट के पीछे छुप गई हूँ। अब वो ढूंढ रही है मुझे। ओ माय गॉड, फिर से सी किल्ड मी। माय गॉड, मार दी मुझे। फिर अब डे फोर है, अब देखते हैं डे फोर में क्या होता है। भाई कुछ हार्ड देना ना डे फोर में,
इतना इजी लग रहा है ये गेम। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गेम पे पार्ट टू बनाऊं, सो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इस गेम पे पार्ट टू बनाऊंगी। पूरा खून लथपथ लथपथ है। तो गाइस इस गेम पे अगर चाहते हैं मैं पार्ट टू बनाऊं और वो भी डिफिकल्ट मोड में, तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिएगा। और अभी मैं इस बुढ़िया से नहीं डरूंगी, अब मैं इधर से इधर जाऊंगी, इस रूम को ओपन करूंगी, देन अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स। फिर ये बेड के नीचे मैं छुप गई हूँ, अब देखते हैं ये बुढ़िया बेड के नीचे से आती है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, मुझे उधर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आवाज़ आ रही है। सो मैं बेड के ऊपर से हट रही हूँ, अंदर गेट के पीछे छुप गई, इसको फिर बंद कर देते हैं। मैं अंदर गेट बंद कर दी, फिर मैं इधर आ रही हूँ। ये कौन सा रूम है गाइस, मुझे पता नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि ये कौन सा रूम है, मुझे पता चल जाए। नहीं, इस रूम में बुढ़िया नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बुढ़िया, क्योंकि आई हेट। वो आ गई, वो थी, वो वहाँ पे थी। मैं तो छुप जाती हूँ। माय गॉड, वो मुझे मार ना दे बस। गाइस मैं जो टेबल के पीछे छुप गई, वो मुझे शायद नहीं देखी। ओ माय गुडनेस, अच्छा वो मुझे नहीं देखी, वो इधर है तो नहीं ना, वो इधर ही थी, वो लाठी पकड़े हुई। ये बुढ़िया मेरा पीछा कब छोड़ेगी, आई डोंट नो। देखते हैं, वो है तो नहीं यहाँ पे, नहीं, अभी मेरा रास्ता पूरा क्लियर है। माय गॉड, माय गॉड, सी किल्ड मी। मुझे तेरा थोड़ा डर लग रहा है गाइस, मुझे मार दिया इस बुढ़िया ने, क्यों, वाई, क्या गलती थी मेरी बुढ़िया। अब इधर एड्स लोड हो रहा है, क्यों भाई ये एड्स। सो गाइस यहाँ पे आप सबको ग्रैनी का गेम का वीडियो शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इधर ये कोई भी ऐप पे वो नहीं ले रहा है वो वाला सीन, क्योंकि वो थोड़ा मतलब भूत भूत का है तो वो नहीं ले रहा है। मैं बहुत सारे ऐप पर ट्राई कर चुकी हूँ, 2-3 ऐप पर, तो नहीं आ रहा होगा। और गाइस वैसे भी ये गेम का लास्ट पार्ट था, तो बस इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आप मेरी आवाज ही सुन लीजिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वो वीडियो लास्ट पार्ट का नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें कुछ सही सीन नहीं है। सो ओके गाइस, अभी आप इधर आगे से देख लीजिए कि क्या हो रहा है, मैं सिर्फ जो बोल रही हूँ वही सुन लीजिए। एंड मैं आशा करती हूँ कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी वो सही रहे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज गॉड सेव मी, प्लीज गॉड, गॉड प्लीज सेव मी। गाइस वो मुझे नहीं देखी, सो अब वो नहीं है, अब ये रूम सेफ है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, ओ माय गॉड, शी किल्ड मी, शिट। गाइस ये लास्ट डे था, वाई मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, अब क्या होगा, आई लिटरली डोंट नो क्या होगा। जेल, ये तो वही जेल है जिसमें ग्रैनी बंद थी। माय गॉड ग्रैनी, ओ शिट, ये ग्रैनी का ही क्यों आ रहा है। सो ये मुझे मार दी और यहाँ पे मैं मर गई, गेम ओवर। थैंक्स गाइस, सो गाइस आप सबको सच में थैंक्स, आप सब ये वीडियो लास्ट तक देखे, जो लोग लास्ट तक देखे उन लोग को थैंक्स, और जो लोग 10 सेकेंड स्किप किए उन लोग को हाफ थैंक्स, और जो लोग वीडियो को देखे ही नहीं सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्क्रॉल कर दिए उनको भी थैंक्स गाइज, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। सो गाइज ये वीडियो लंबा हो गया, आई थिंक ये 15 मिनट पे ख़त्म होगा। सो कोई नहीं गाइज, ये गेमिंग था तो इस पे तो टाइम लगेगा ही। सो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट टू बनाओ, ग्रैनी का पार्ट टू, और वो भी डिफिकल्ट मोड में, ये तो नॉर्मल मोड था, तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि आपको डिफिकल्ट मोड में देखना है कि मैं कैसे ग्रैनी खेल पाती हूँ या नहीं। सो चलिए गाइज अब बाय बाय, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो पे।
उल्टा सीधा बोल रही हूँ। सो बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय।